अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि ये हम समझते हैं मुसलमानों का पहला क़िबला बैतुल मक़दस है, इसको हासिल करने के लिए जो मुसलमान जंग लड़ रहे हैं, क्या ये जंग सही है? इनका सवाल है कि जो पहला क़िबला जो आमतौर पर समझा जाता है सो कॉल्ड मुसलमानों का, ये समझा जा रहा है कि पहला क़िबला जो है वो क्या है? बैतुल मक़दस। ये समझ रहे नहीं समझ रहे सब? बैतुल मक़दस जो है हमारा पहला क़िबला है। तो ये कह रहे हैं उसके लिए जो जंग हो रही है, उसके लिए जो जंग हो रही है वो क्या सही है? कि ये जो पहला क़िबला जो बता रहा है कि हमारा पहले, कौन बता रहा है और उसको कौन बता रहा है कि पहला क़िबला है? हैं? नहीं नहीं इस दुनिया में कौन लोग हैं जो उसको इम्पोर्टेंस है? हैं? नहीं नहीं आवार हो गए, स्कॉलर हो गए, लेकिन आप बात ही समझ रहे। अभी हमने पूरा एक लेक्चर कुरान में कौन लोग हैं जिन्होंने मस्जिद बना रखी है? मुनाफिक है ना, वो मुनाफिक हैं जिन्होंने इस मस्जिद को बना रखा है, उसको इम्पोर्टेंस दी है। पहला बैतुल मक़दस भी वो है, पहला क़िबला भी वो है, उसको इम्पोर्टेंस दे दिया। और ये भी कहा जाता है कि वो उस तरफ मुँह करके सलात कायम करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में, पता नहीं 16 महीने या कोई पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने, शायद ये कुरान की बात नहीं, वैसे मैं बात कह रहा हूँ, अब उधर मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। फिर वो एक वक्त आए, कहते हैं क़िबला चेंज हो गया, तो उस क़िबले पहले जो हिस्ट्री के बाद पॉइंट ऑफ व्यू, उस क़िबले से वो टर्न होके इस तरफ आ गए काबे की तरफ, मस्जिद राम की तरफ। अब जब हम लोग आए दुनिया में तो हमें मस्जिद राम पता चला कि ये हमारा क़िबला है ना, ये हमारा क़िबला, और हमें ये भी बताया जाए वो हमारा पहला क़िबला है, तो हमें पहले क़िबले के लिए जंग करनी चाहिए। साहब फ़र्ज़ करिए कि आप सब लोग जंग करें, और जंग करके, जैसे सही तो गलत है बात की बात, जंग करके आप पहला क़िबला मिल गया आपको, तो आप लोग हजरत उधर मुड़ के नमाज पढ़ेंगे क्या? पूछ रहे ना कि भाई पहले उधर मुड़ के नमाज पढ़ते थे, पहले मुंह उस तरफ करके नमाज पढ़ते थे, वहां से किबला चेंज हो गया, ये मिल गया अल्लाह का घर। अब ये कि हम उसके लिए जंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जंग करना सही है, तो मैं कह रहा हूं फर्ज करिए जंग करके आपने हासिल कर लिया पहला किबला, अब आप क्या करना चाह रहे हैं उस किबले के साथ? जब मिल गया आपको किबला, फर्ज के मैं कहता हूँ ये मिल गया किबला साहब, अब क्या करेंगे आप? अब उधर मुड़ के नमाज पढ़ेंगे क्या? इस काबे से हटना चाह रहे हैं, इस काबे से जो अल्लाह ने मस्जिद राम में अल्लाह ताला ने कहा है कि किबला तुम्हारा ये फवली वजह का शर्त मस्जिद हराम, कि तुम अपने चेहरे को मस्जिद राम का हिस्सा बना लो, ये है किबला आपका। अब आप जंग कर रहे हैं साहब, जंग कर रहे हैं हमारा पहला किबला है, पहला किबला है, भाई आप जंग करके वो किबला हासिल कर लें तो अल्टीमेटली आप करेंगे फिर उस किबले के साथ? मिल गया आपको, फिर क्या करेंगे आप? हम उधर मुंह करके नमाज पढ़ेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो भाई जंग, अब देखिए क्या है, ये असल क्या चीज है कि उस जमाने के यहूदी और आज के यहूदी जब भी अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं और उनको आयत की वजाहत होती है तो वो उस किबले से हट जाते हैं। जब अल्लाह की आयत पढ़ते हैं इन्ना वला बैतुम वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम वहुदा लिलआलमीन, बेशक ये पहला घर है वुज़ा के इंसान लल्लज़ी बक्का के साथ है, मुबारक जगह है, तमाम जहान वालों के लिए हिदायत की जगह है। अब एक यहूदी को फर्ज करिए अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, उसने ये आयत पढ़ी, उसको ये वजाहत हुई, तो उसने अपना किबला बदल दिया, जिस किबले को वो जरूसलम को इंपॉर्टेंस दे रहा था बाइबल की वजह से। जैसे ही उसने अपना किबला बदला तो वो इस किबले पर आ गया अल्लाह के घर पर, तो उसका वो पहला किबला था, अल्लाह का नहीं था, उसका था, तो उसका वो पहला किबला था। अब वो अल्लाह के घर पे आए पे आन के इसको अपना कहेगा ये मेरा दूसरा किबला है। तो हर जमाने में नॉन मुस्लिम्स के किबले अपने अपने होते हैं, जूस का अपना है, क्रिश्चियंस का अपना है, हिंदू का अपना है, बुद्धिस्ट का अपना है, हर आदमी के अपना एक मजहब, अपना एक किबला होता है जिसको वो प्रैक्टिस और फॉलो कर रहा होता है। जब उसको अल्लाह ताला हिदायत दे और वो कुरान पर पढ़ता है तो वो अपने किबले से हट जाता है, जिस किबले पे वो था, जिस किबले से वो हट गया और अल्लाह के इस किबले पे आ गया, इन्ना वला बैतुम वुदिया लिन्नास, बेशक ये पहला घर है तमाम इंसान के लिए बनाया जो बक्का के साथ है, मुबारक जगह है, तमाम जहान वालों के लिए हिदायत है। तो जब वो इस किबले पे आ गया तो जिस किबले पे वो था वो हट गया उससे। तो इसका कुरान में जिक्र है कि हर जमाने में सयकूल सुफाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, अन करीब बेवकूफ और अहमक लोग ये कहेंगे ये अपने किबले से क्यों हट गए जिस पर थे। तो अल्लाह उनको कहता है कुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, कह दो मशरिक और मगरिब अल्लाह का है, यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, वो जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करता है। तो जब भी इंसान को अल्लाह ताला
सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करता है तो वो अपने किबले से हट जाता है जिस किबले पे वो था। तो बेवकूफ उसके खानदान के लोग कहते हैं भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम उस किबले से हट गए जिस किबले पे तुम थे, जिस मजहब को, जिस डायरेक्शन ऑफ बिलीव को तुम बिलीव करे उससे तुम हट गए। तो हर जमाने में ज्यू क्रिश्चियन जिस अब उसके घर वाले कहे तुम्हें क्या हो, तुम मुस्लिम हो गए, इस्लाम लिया, अल्लाह के घर को मान रहे हो, पहले तुम ये बैतल उनका वेलिंग वॉल है, दीवार गिर दिया, दीवारें गिर गया, उसके आगे यूं हिलते हैं वो, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं टोरा, अब वो सड़ गए, वो मस्जिद राम की तरफ मुंह करके सलात कायम करने लगे। तो उनका किबला पहले कोई और था, जूस का किबला था, न्यू हर नॉन मुस्लिम का किबला है, तो वहां से रिवर्ट करके जब मस्जिद राम की तरफ मुंह करके सलात कायम हो रही सब इधर हो गए, तो अब ये किबला है। अब जो लोग उसके लिए लड़ रहे हैं तो उनसे आप पूछे कि आपको किबला मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे उस किबले के साथ, उनसे सवाल करें आप, व्हाट दे विल डू विद द डायरेक्शन ऑफ बिलीफ ऑफ द जेरूसलम, वो बताएंगे हम ये करेंगे कि हमें आयतें मिल गई, मस्जिद राम मिल गया, सबके या वापस हम वहां लौटना चाह रहे हैं, तो उनसे उनके हैं ये सवाल, उनसे पूछें, वो सलात कायम करना चाह रहे हैं तो मुकर के क्या करना चाह रहे हैं वो बताएं।